जय भीम। नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर बुधवार को प्रदर्शन में शामिल एक किसान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक किसान का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक और किसान की मौत हो गई। किसान का शव बॉर्डर पर ही नीम के पेड़ से लटका मिला। वह पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था और काफी समय से आंदोलन से जुड़ा हुआ था। कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में किसान ने कथित तौर पर आत्महत्या की है। मृतक खेत में अक्सर आता जाता था और 5-6 महीने से वही था। फिलहाल पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि उसकी हत्या की गई या उसने खुदकुशी की। कुंडली थाना पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने कहा है कि गुरप्रीत सिंह ने हुड्डा सेक्टर में नांगल रोड पर पार्कर मॉल के पास एक नीम के पेड़ से रस्सी बांध कर फांसी लगा ली। गुरप्रीत यहाँ अपने गाँव की ट्रॉली में अकेला था। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बुधवार को शहर के तमाम मदरसा अहले सुन्नत धर्मगुरु द्वारा त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें घटना के विरोध में एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बुधवार को शहर के तमाम मदरसा अहले सुन्नत धर्मगुरु द्वारा त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। बुरहानपुर के शनवारा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना कलीम अशरफ ने बताया कि त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा में असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिदों को शहीद किया गया। बेगुनाह मुस्लिम लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि हिंसा में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद थे। जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं, तो ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इस वक्त त्रिपुरा में हिंदुस्तान का जो एक हिस्सा है और वहाँ पर फिरका परस्ती का नंगा नाच नाचा जा रहा है और इस्लाम दुश्मनी मुस्लिम दुश्मनी का एक बहुत ज़्यादा नंगा नाच वहाँ पर पेश किया जा रहा है और इसी की मजम्मत में हमने ये ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर जो है तो फिरका परस्तों पर लगाम लगाई जाए, ये फिरका परस्ती बंद की जाए। जो मस्जिदों को शहीद किया गया है, गिराया गया है, ये जो है तो हरकतें बंद की जाए और इसके साथ ही साथ जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है ये भी ख़त्म किया जाए और जो दोषी हैं, जो मुलजिम लोग हैं और जिन्होंने ये हरकतें की है, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने राष्ट्रपति महोदय को इसी सिलसिले में ज्ञापन दिया है। भाईचारगी को ख़त्म करना, इंसानियत दुश्मनी का सबूत देना हमारे कल्चर और तहजीब के ख़िलाफ़ है। इस मुल्क में अमन अमान के लिए, तहजीब के तहफ़ के लिए, इंसानियत की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने त्रिपुरा में मसाजिद को शहीद किया और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसके लिए हम तन मन धन कुर्बान करने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश बुरहानपुर से अनिल सोले, इक्वालिटी न्यूज के लिए। एसटी महामंडल कर्मचारियों की मांगे ना पूरी होने पर कर्मचारियों की हड़ताल अब भी जारी है। वहीं महाराष्ट्र के रामटेक डेपो में चौथे दिन भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। महाराष्ट्र में एसटी महामंडल कर्मचारियों की मांगे पूरी न होने पर एसटी कर्मचारियों का आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हड़ताल अब भी जारी है। रामटेक डेपो में आंदोलन का चौथा दिन रहा जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक गोपीचंद पडालकर और महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संगठन के अजय कुमार गुजर ने राज्यव्यापी एसटी राज्य सरकार में शामिल करने के लिए की गई हड़ताल में शामिल होने का ज्ञापन एसटी कर्मचारियों ने विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन नागपुर विभाग, विधायक आशीष जायसवाल, सांसद कृपाल तुमानी, तहसीलदार बाला साहेब मस्की, पुलिस निरीक्षक प्रमोद मकेश्वर और रामटेक आगर प्रमुख भोगी को दिया। प्रथम तर मी पूर्ण महाराष्ट्र जनतेची माफी मागतो, कारण की आज या आमच्या लढ्यामुळे
आज जी जनसामान्याचे हाल होता है, म्हणजे भाऊ आणि बहिणीचा मिलन नाही होत आहे, तर याच्याबद्दल आम्ही माफी मागतो सर्व आमच्या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांतर्फे। पण मागणार कहा की जेव्हा आमचा पोटच नाही भागत तर तेव्हा आम्ही काय करणार। आज मला 8 वर्ष माझी सर्व्हिस होऊन माझ्या हातामध्ये 18,000 पूर्ण वेतन मिळते। 18,000 मध्ये त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये किराया 4,000 जातो, तर राहते काय, काहीच नाही राहत। कटून फिटून हातामध्ये 12,000 रुपये वेतन येते, पी एफ वगैरे कटून। तर याच्यामध्ये असे होतो ना हाल अशा आमच्या कर्मचाऱ्याचे होत आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला ना इला जास्त आम्हाला हे आमच्या हक्काच्या मागणीसाठी आम्हाला येन या दिवाळीच्या वेळेस आम्हाला संप करण्याचं काम पडलेलं आहे। त्रिपुरा में हुई घटना का निषेध करने के लिए अहले सुन्नत वल जमात ने वर्धा के इतवारा चौक में आंदोलन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकर्ता उपस्थित थे। त्रिपुरा में दंगाइयों द्वारा मस्जिद मदरसे साथ ही मुस्लिमों की दुकानें तोड़ फोड़ी गई, वहीं मुस्लिम महिला पुरुषों के साथ मारपीट भी की गई। इस हिंसा का तीव्र निषेध व्यक्त करते हुए वर्धा के इतवारा परिसर में सुन्नी यूथ फोर्स द्वारा निषेध आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुस्लिम बंधु उपस्थित थे। इस दौरान दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई, वहीं जमकर नारेबाजी भी की गई। हमें ये बताना नहीं है और हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ में बहुत बड़ा अल्लाह है, अगर बायदो हमारे साथ में अगर गलत अगर हुआ है तो उसका जरूर खामियाजे इनको भुगतना पड़ेगा। कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी का मंदिर तोड़ो, किसी की मस्जिद तोड़ो करके ऊपर से मस्जिदों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया कि उसको जर्जर कर दिया गया, और ऊपर से घर के लेडीज़ और जेंट लोगों को, मुसलमानों को निकाल के इस तरह के मारा गया कि जैसे कोई देखो तो बकरे को और जानवरों को जैसा काटा जाता है इस तरीके से। ये कोई हिंदुस्तान का देश के प्रधानमंत्री क्या सोई हुई है इस बात में, क्या इस बारे में देश के प्रधानमंत्री अभी तक के बताइए, त्रिपुरा के घटना के लिए गोदी मीडिया ने बताइए तो उसके बारे में कोई नहीं कुछ किया गया क्या। तो हमारी मांग है और आज का डेपुटेशन जो दिया गया, अभी तो सिर्फ थोड़े से हम लोग आए हैं, इसके बाद में हम चाहेंगे कि वर्धा में इतना बड़ा देखो तो जुलूस निकालेंगे कि वर्धा वाले देखते रहेंगे कि ताकि दिल्ली में भी देखो तो जाग आ जाए कि वर्धा वाले जग गए। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार खुद को किसान हितेशी बताती है, लेकिन सहकारी खाद वितरण केंद्र में किसानों की लगी भीड़ उसकी फोल खोलती है। सहकारी खाद विक्रय केंद्रों पर कुछ में ताले लगे हुए हैं तो कुछ में किसानों की इतनी भीड़ है कि वहां पर खाद की जितनी बोरियां नहीं है उससे 10 गुना किसान खाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में खाद की पूर्ति की कमी सरकार के दावे को खोखला साबित करती है। आइए देखते हैं खाद विक्रय केंद्र की क्या स्थिति है। नमस्कार दोस्तों, इक्वालिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और ये हम आए हैं आज यहाँ पे मोहलागंज क्षेत्र में, जो खाद वितरण मतलब सहकारी समितियाँ हैं उन पर, खाद केंद्रों पर क्या स्थिति है हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि जो खाद लेने आए हैं किसान हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से इनको खाद उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे खाद की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे खाद काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध है और वो भी चिन्हित लोगों को दी जा रही है, शायद इसीलिए इन लोगों को ज़्यादा परेशानी है। ये साधन सहकारी समिति आता है देवती करोरा में, तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग इकट्ठा हैं, लेकिन खाद यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है किसानों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि इस समय बुआई का सीजन चल रहा है, फिर भी लोगों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आइए हम कुछ किसानों से बात करते हैं और मिलते हैं उनके बारे में, जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्या कितनी मात्रा में खाद यहाँ पे उपलब्ध है। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है यहाँ जो लोग नेतागिरी करते उनका खाद मिलत, और जो छोटे काश्तकार है उनका खाद ही नहीं मिल रही, चिन्हित लोग इनका खाद मिल रही बस। ये समस्या कब से समस्या? और खाद एक ट्रक आवा है वह वापस हो गए, कहाँ गए ये नहीं जाने थे, यहाँ एक बात वापस हो गए। यहाँ लोग कहा था कि लदन नहीं मिले, ब्लैक नहीं लदन तो कहाँ जा रही खाद, 400-800 भरी खाद लदी है और साला 300-400 काश्तकार हरदम लाइन लगाए रहा। ये स्थिति कब से? ये जब से स्टार्टिंग में बोवाई तब से। उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है कि मतलब खाद जो है सारी समितियां खाद से भरी हुई हैं, सारी किसानों को खाद उपलब्ध। क्या आप भी देख रहे हैं ना, हम लोग कोई गलत हल्ला तो मचा नहीं रहे, केवल दलालों के कोटों में। अरे यहाँ खाद नहीं मिल रही है और 3-4 दिन से आदमी सब लाइन लगाए बैठे, खाद मिल रही है, अंगूठा नहीं लग रहा तो खाद नहीं। खाद थी यहाँ पर लेकिन बढ़ नहीं रही थी, यहाँ एक हफ्ता से एक ट्रक आज सुबह से लौट गया और यहाँ पर कोई जनों की गाड़ी नहीं उतरवा। तो असल में सुबह गाड़ी आई थी
लेकिन वो दूसरी जगह की गाड़ी थी, गलती से यहाँ आ गई थी। तो अभी शाम तक गाड़ी एक और आ रही है। किसानों की शिकायत है कि चिन्हित लोगों को मतलब यहाँ पे डीएपी वितरण की है। बिल्कुल, एक गड्डी लगी हुई है, किसानों के आधार कार्ड जमा है, उसी हिसाब से नंबर से सबको दी जा रही है। अभी स्टॉक में आपके पास कितनी डीएपी है? अभी करीब 220 बोरी है। रोकते हैं लगभग 250-300 के आसपास, 300 के आसपास, लेकिन शाम को गाड़ी आ रही है, सबको खाद मिल जाएगी। राजस्थान के भरतपुर से सांसद रंजिता कोहली पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है। बयाना स्थित उनके आवास पर मंगलवार देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। बदमाशों के हमले के दौरान सांसद बेहोश हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन सांसद को अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान के भरतपुर से सांसद रंजिता कोहली पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है। बयाना स्थित उनके आवास पर मंगलवार देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। बदमाशों के हमले के दौरान सांसद बेहोश हो गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने फौरन सांसद को अस्पताल पहुंचाया। बदमाशों की करतूत बस इसी पर नहीं थमी तो उन्होंने हमले के बाद सांसद के घर पर एक पोस्टर भी चिपकाया, जिस पर उनकी तस्वीर लगी हुई थी, साथ ही एक जिंदा कारतूस चिपकाया था और जान से मारने का एक धमकी भरा लेटर छोड़ बदमाश भाग गए। इस घटना के बाद सांसद और उनका परिवार दहशत में है। बदमाशों द्वारा छोड़ गए पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि दलित है, दलित की तरह रहे, पहले भी छोड़ दिया था, अब अपनी सीमा में रहे, नहीं तो अगली बार सीधे गोली मार दी जाएगी और कोई नहीं बच पाएगा। गौरतलब है कि 6 महीने पहले भी 27 मई 2021 की रात को सांसद की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया था। बाद में एक अन्य बदमाश ने सांसद को फोन कर गोली मारने की धमकी दी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अन्य जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भीम, नमो बुद्धाय।